ठीक है, इस कार्य के लिए रघुनाथ सिंह नहीं तात्या तोपे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। कुशल सैनिकों के साथ तात्या टोपे का जाने का प्रबंध किया जाए। आप जाइए मिस्टर मालकम, अब स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। कुछ नहीं सकू भाई साहब, जो आज दरबार में हुआ उससे हमारी योजना की बुनियाद तो पड़ी गई। आज मैं बहुत खुश हूँ और आप तो जानती हैं, खुशी में हर चीज खूबसूरत दिखती है। लच्छू, खुशी तब व्यक्त करना जब जीत पक्की हो जाए। हमें आपके मिनिस्टर रघुनाथ सिंह पर डाउट है। इस कार्य के लिए रघुनाथ सिंह नहीं तात्या तोपे जाएंगे। बेशक राजपूती खून ठंडा हो गया है, वरना दुश्मनों के सर काटने के बजाय इन बेजान पुतलों के सर क्यों काटे जाते? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रही, महाराज तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं। देखा नहीं तुमने, भरे दरबार में सबके सामने विठूर से आए हुए तात्या तोपे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। अफसोस तो इस बात का है कि आपकी वफादारी पर शक किया जा रहा है। हाय अल्लाह, अब तो सारे सिपाही भी आप पर यकीन नहीं करेंगे। सबकी नजरों की बात क्या है, आप तो खुद की नजरों में गिर जाएंगे। और खुद की नजरों से गिरा हुआ इंसान कैसे जीता है, ये तुम मेरे बेटे अली बहादुर से जरूर पूछना। ये माना तो माना, क्या पता इसके अलावा कब किसकी नियत बदल जाए और कौन हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए। देखा मालकम साहब, हमने गंगाधर के सबसे विश्वास पात्र को अपने साथ मिला लिया है। Very good. Who is it? आप स्वयं सोचिए मालकम साहब, कौन हो सकता है? क्या वो नसीम राव है? साहूकार जी, आपने मेरी ऐसे समय पर सहायता की है, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते रहो तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। वो भी नहीं है, आप सोचिए कौन हो सकता है? फिर तो तात्या दीक्षित। तात्या जी, महाराज ने आपको पूजन आरंभ करने के लिए बुलाया है। महाराज और महारानी जी ने ये कार्य हम पर सौंप कर हम पर विश्वास जताया है।
अगर टाटा भी नहीं तो आई नो फॉर श्योर ही इज रघुनाथ सिंह राइट। रुको, कहां जा रहे हो तुम लोग? हमें शीघ्र कूच करने का आदेश दिया है। लेकिन मैंने तो आदेश नहीं दिया। किसने आदेश दिया तुम लोगों को? क्षमा कीजिएगा, हमें हमारे नए सेना नायक ने आदेश दिया है। हमें 11 गांव की सीमा पर तुरंत पहुंचना है। योर एक्सलेंसी, एट दिस मोमेंट वही है जिसके सेल्फ रेस्पेक्ट को हमने गंगाधर के थ्रू हर्ट किया है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? रघुनाथ सिंह जी, महारानी आपसे कुछ कहना चाहती। रघुनाथ जी, उस दिन आप बिना बताए दरबार से चले गए, क्या ये दरबार की गरिमा का अपमान नहीं? क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, लेकिन उस दिन जिस तरह से फिरंगियों ने मेरे मर्म को, ये फिरंगी यही चाहते हैं। उन्होंने आपकी राजनिष्ठा पर उंगली इसलिए उठाई ताकि आप इन राजपूतों पर बिना सोचे समझे हमला कर दें। यदि उस दिन आप चले जाते तो ये फिरंगी उन राजपूतों से मिलकर उन्हें भड़काते और कहते, देखो एक राजपूत दूसरे राजपूत को मार रहा है, इन फिरंगियों का यही लक्ष्य है। ये हमें आपस में लड़ाकर बांटना चाहते हैं और हम उनकी ये चाल समझ गए थे, इसलिए हमने तात्या तोपे जी को भेजा ताकि उनकी ये योजना सफल ना हो सके। हमें आपकी काबिलियत या हिम्मत पर कदापि संदेह नहीं, और अब हमें विश्वास है कि बिना राजपूतों के आन को ठेस पहुंचाए हुए तात्या गुरु और समर सिंह मिलकर इन फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। महारानी साहब, मैं धन्य हो गया, मेरे मन की जो कुंठा थी वो समाप्त हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई, इस समय आपने जिस प्रकार अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया उससे हम अत्यंत प्रभावित हो। इसलिए हम उपहार स्वरूप आपको कुछ देना चाहते हैं। जानती हो, इस तलवार को छूने का साहस तो हम भी नहीं कर सकते। हे भगवान, निवालकर वंश की तलवार को हाथ लगाया तुमने? हमें यकीन है कि तुम्हें इस तलवार का महत्व समझ में आ गया होगा। ये तो निवालकर वंश की पूर्वजों की तलवार है। हाँ, और हम हमारे वंश की परंपरा का पालन करते हुए आपको भेंट कर। महाराज, ये आपकी धरोहर है, आपकी गरिमा है, और इसे आपके पास ही होना चाहिए। यह अवश्य हमारी धरोहर है, परंतु यह तलवार हम किसी ऐसे वैसे को नहीं दे रहे। एक बुद्धिमान पराक्रमी वीरांगना को हम अर्पित कर रहे हैं। हमें विश्वास है, ये तलवार आप ही के द्वारा नेवालकर वंश के उत्तराधिकारी को दी जाएगी। धन्यवाद।
आपके चेहरे की यह चमक हमारे जीते जी कभी समाप्त नहीं होने देंगे। हमारी तलवारबाजी उस दिन अधूरी रह गई थी, कल से हमारी हर सुबह आपके साथ तलवारबाजी से आरंभ होगी। हम हमेशा से यही सपना देखते थे महाराज। महारानी साहब वहां देखिए, महारानी साहब महाराज ने खास आपके लिए ये व्यवस्था की है। काशी जी हमें झूला झुलाओ ना जी। जो भी कार्य करते हैं महाराज का चेहरा सामने क्यों आ जाता है, इसका क्या अर्थ होता है? अरे झूला क्यों रोक दिया, झूला ना काशी। काशी जब दिल की बात जबान पर आ जाए तो समझ लीजिए आपको भी वही हुआ है जो जो हमें हुआ है। कीजिएगा महाराज, पूजा की तैयारी हो गई है, तात्या दीक्षित जी आपको बुला रहे हैं। सब योजना के अनुसार हो रहा है ना? जल ग्रहण कीजिए।
ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् द्योर्भक्षीमामृतात् स्वाहा। देव प्रजापति आमाला प्रजा देवो अरे अमा वृद्धात्वा पर्यंत चे मंगल कारक अशीतु पति समीप हो। त्याजी आप जो आपने महाराज को बचा लिया। ये सब ग्रहों का खेल है सुगुबाई, इसलिए कृष्ण पक्ष की पंचमी तक और काल सर्प दोष के निवारण तक अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। मैं यहीं रहकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करूंगा। हे बाल गोपाल, जब से हम झांसी लौट कर आए हैं तब से यहाँ की प्रजा की और महल के सब लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ गई हैं। आपका आशीर्वाद तो सदैव हमारे साथ रहता है। अब झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इन सबकी उम्मीदों को पूर्ण कर सकें। बच्चे का संबंध क्या होता है ये आपसे अधिक और कौन जानता है। हमें तो इतना भी याद नहीं कि हमारी माँ दिखती कैसी थी। ये विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहता है। तात्या जी कह रहे थे कि महाराज पर संकट के बादल छाने वाले हैं। हे बाल गोपाल, हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे हम उन पर छाई इस विपदा को दूर कर सके। सारी विपदाएं तो सेवा से ही दूर होती हैं। तुम ठीक कह रही हो, सेवा ही धर्म है और हमारा जीवन तो इस धरती के लिए, हमारी प्रजा के लिए और हमारे पति के लिए समर्पित है।